इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। रैपिड सिर्फ शुगर फ्री को भोजन के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे एक नियत समय पर लें। इसे डॉक्टर की सलाह अनुसार लिया जाना चाहिए। डोज और कितनी बार आपको इसकी ज़रूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यकता है। इसे तब तक लें जब तक उसे लेने के लिए डॉक्टर ने पर्ची में लिखा है। अगर इलाज के 7 दिनों के भीतर लक्षणों में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में मिचली आना, सुस्ती, चक्कर आना, सिर दर्द और थकान शामिल हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या स्थिति गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। आमतौर पर इस दवा से इलाज के दौरान बहुत सारे फ्लूइड पीने की सलाह दी जाती है। चक्कर आना को दूर करने के लिए गाड़ी चलाने या ध्यान देने वाले काम करने से बचें। इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। रैपिड सिर्प के फायदे। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में कसावट से संबंधित होता है और जुकाम, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। रैपिड सिर्प शुगर फ्री सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में पानी आना, छींक, नाक या गले में जलन से राहत देगा और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगा। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। रैपिड सिर्प शुगर फ्री आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। रैपिड सिर्प के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। रैपिड्स के सामान्य साइड इफेक्ट। मिचली आना, चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, डायरिया, दस्त, सीने में जलन, दिल की धड़कन बढ़ जाना, उल्टी, सुन्ना होना, पेट में असुविधा। रैपिड सिर्प का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। रैपिड सिर्प शुगर फ्री को खाली पेट लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।